सर आपको और क्लियर करना पड़ेगा, आपने ये बताया कि नॉन मेडिकल है, उसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो है वो देख सकते हैं। आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना, लेकिन आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हुआ है, तो मैथ तो आपका पक्का हो गया, लेकिन आपने जो बीएड है उसमें फिजिक्स नहीं पढ़नी। नंबर एक, आपने बीएड में ये पढ़ना है कि फिजिक्स और टोटल साइंस को, अकेली फिजिक्स को नहीं, क्योंकि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो डेट इज़ वाई आपको साइंस मेजर सब्जेक्ट लेना चाहिए, मैथ्स माइनर जाके स्कूल में ले लेना चाहिए, और आप दोनों के लिए अच्छी तरह एलिजिबल हो। डिटेल्ड वीडियो में ही बताया है, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा, और आपको आपके लिए गाइडेंस ये है कि बीएड में आपने टीचिंग ऑफ साइंस पढ़ना है, ना कि मतलब कि साइंस को टीच करने के लेबॉरटरी मेथड है, डेमोस्ट्रेशन मेथड है, ट्रांसमिशन मेथड है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऐसी है, ऑडियो विजुअल एड कैसे यूज़ करनी है, तो ये पढ़ना है। तो अब आप टीच करना चाहते हो जो केमिस्ट्री और उसमें इंटरेस्टेड हो, फिजिक्स में नहीं हो, तो अब साइंस लेके ही आप प्रोसीड करें, आप डिस्टर्ब मत हो कि फिजिक्स में नहीं इंटरेस्टेड। हाँ, ये आपके लिए पक्की गाइडेंस है कि आप फिजिकल साइंस जो है, फिजिकल साइंस में जाना चाहते हो वो बात की बात है, फिजिकल साइंस में आप पीजीटी के लिए जाना चाहते हो, तो फिर आप एमएससी नेचुरली है कि केमिस्ट्री ही करोगे। आई हैव इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री एंड प्लीज़ गाइड मी, नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, आई हैव इंटरेस्टेड, आपने ये लिखा है, ये थोड़ी कन्फ्यूज़न भी है, चलो आप इसका मतलब है इसमें कम है, केमिस्ट्री में ज़्यादा है, तो पीजीटी के लिए आप मत जाइए, आप टीजीटी के लिए जाइए, और यही कॉम्बिनेशन आप चूज़ कीजिए। कारण ये है, उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, वेट करनी है, तब तक एडिशनल सब्जेक्ट दे के आप फिजिकल साइंस का बीएड में करके एलिजिबल पीजीटी के लिए हो सकते हो, अगर केमिस्ट्री की तरफ जाना चाहते हो। तो मेरे ख्याल में वो वीडियो देख लीजिए, इंटरेस्टेड आपके लिए, मतलब आपके उत्तर सभी मिल जाएंगे, तो आपके लिए गाइडेंस यही है, साइंस और मैथ को चूज़ कीजिए, साइंस मेजर सब्जेक्ट, और अगर आप ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से भागते हो, फिर आपको लैंग्वेज की तरफ जाना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज के लिए एडिशनल पेपर भी देना पड़ेगा, एडिशनल मेहनत भी करनी पड़ेगी, सिलेक्शन टेस्ट में भी तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी। थैंक यू।